तरीके से वो लोग आज ईवीएम को लेके फिर उन्होंने सवाल खड़ा किया. खुद अखिलेश यादव बोल रहे हैं ईवीएम काम नहीं कर रहा है, लोग साइकिल का बटन दबा रहे हैं, वहाँ कमल का बटन दिख रहा है. आप कैसे देख रहे हैं ये लोग, क्यों अभी से ईवीएम को लेकर के विपक्ष क्यों अभी से इतना हल्ला मचा रहा है, क्या वजह देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तो ईवीएम नहीं बताई, राजस्थान में चुनाव हुए तो ईवीएम नहीं बताई. पहले ये तय कर लें कि इन्हें ईवीएम का नाम कब लेना है, क्योंकि ये या तो हर हार के लिए ईवीएम को जिम्मेवार ठहराएं. तो हम ईवीएम से हारे फिर छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में. मैं चाहूँगी ये कोई बहानेबाजी ना करें, हकीकत है कि इनकी प्रतिष्ठा और इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है. ईवीएम नहीं है जो खराब हुई है इनकी क्रेडिबिलिटी. आप राजनाथ जी के लिए आज यहाँ पर आए हैं, चुनावी रैली करेंगी, यहाँ पे आपकी पार्टी के पूर्व रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा जी की पत्नी भी खड़ी है, आप कैसे देखते हैं? हमारे बड़े भाई की पत्नी है, शत्रुघ्न सिन्हा जी को मैं अपना बड़ा भाई कहती हूँ. अब रही बात यहाँ की, तो राजनाथ जी को कोई हरा नहीं सकता. लखनऊ सीट बीजेपी की है, ऊपर से राजनाथ जी जैसे गृहमंत्री खड़े हैं तो मिला के बहुत ताकतवर हो गई है. आप भोपाल में कैसे देखते हैं दिग्विजय सिंह वर्सेस? वो हमारी जीत होगी, भोपाल हमारी सीट है.